जिले के कोविड प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग कलेक्टर कार्यालय आए और कोविड की समीक्षा बैठक की। अध्यक्षता करते हुए कोविड मरीजों और कोरोना के बढ़ते कदम को थामने के उद्देश्य से अनेक निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से किल कोरोना अभियान, कोविड सहायता केंद्र को प्रभावी रूप से लागू करना और जिला अस्पताल में कोविड मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाना शामिल रहे। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से अब निर्धारित समय में मरीज के परिजन वीडियो कॉल के द्वारा मरीज से बातचीत कर सकेंगे। वह हेल्प डेस्क पर मौजूद डॉक्टरों से मरीज की सेहत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से किराना दुकानों को भी अब नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि देखा जा रहा था कि निर्धारित समय पर किराना दुकान खोलने के कारण किराना दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ जाती थी, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कठिनाई आ रही थी। इसके चलते किराने की दुकानों पर अब पाबंदी लगा दी गई है। अब जिले के जनता को होम डिलीवरी के माध्यम से किराना उपलब्ध कराया जाएगा। इस बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता और अस्पताल में बेड की सुविधा बढ़ाने पर भी निर्णय लिया गया है। नियत समय पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, मरीजों को सख्त और सुव्यवस्थित इलाज मिल सके इसकी व्यवस्था करें। उसके साथ ही आज हमने एक चीज और निर्धारित की है कि हमारे अस्पताल के बाहर हम एक हेल्प डेस्क बनाएंगे, जिसमें हमारे जो मरीज भर्ती हैं उनके परिजनों को यदि वो आकर अपने मरीज का हालचाल जानना चाहते हैं या वीडियो कॉल के माध्यम से उससे बातचीत करना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था होगी। उसका एक नियत समय रहेगा। उसके अलावा परिजनों को अस्पताल के अंदर वार्ड में या अस्पताल कैंपस में अंदर आने की छूट नहीं रहेगी, क्योंकि यदि परिजन किसी कोविड वार्ड में जाते हैं तो वो स्वयं भी संक्रमित। दोपहर न्यूज के लिए सीहोर से अनिल मालवीय की खास रिपोर्ट।